अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुर्रहमान वुडवर्क इन्फो के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और किचन ये मुकम्मल कर लिया। सियालकोट का ये इलाका है गोदपुरा, जिसमें हमने ये किचन तैयार किया है। वाइट एंड ब्लैक में ये किचन है। इस किचन की आप लुक देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया। तो इस वीडियो में मैं आपको इस किचन की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि इसमें कौन सी शीट यूज़ हुई है, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है और इस किचन को बनाने में हमारा कितना खर्चा आया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी घर नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको इस किचन का डिज़ाइन दिखा दूँ। तो इस किचन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये मेन किचन है और इसके अंदर रूम में ये एक डर्टी किचन बनाया गया है। 240 स्क्वायर फीट का ये किचन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे हमारे किचन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। स्पेन से हमारे ये भाई थे जिन्होंने ऑनलाइन हमसे बुकिंग करवाई और हमसे ये किचन तैयार करवाया। सबसे पहले मेन किचन की बात करें तो ये स्टार्ट में हमने ये अप्लाइंसिस का यूनिट दिया। इसमें माइक्रो और बेकिंग ओवन ये बिल्ट इन हमने ये इंस्टॉल किए हैं और अप्लाइंसिस के यूनिट के ऊपर स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए एक जैक वाला डोर दिया। इसके आप अंदर की स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ हमने ये चार हाइड्रोलिक हमने ये जैक वाले डोर दिए हैं। इसमें भी आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पोर्शन के बाद अगर हम सिंक वाले एरिया की बात करें तो स्टार्ट में हमने ये दो किचन डिज़ाइन के मुताबिक वाइट कलर के ये डोर्स दिए हैं। इनके अंदर भी आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है, आप अपने इनमें बर्तन वगैरह रख सकते हैं। और इसी के साथ ही आगे चले तो सिंक के ऊपर हमने ये दो प्रोफाइल डोर दिए हैं। इसके अंदर गोल्डन कलर की हमने SMD लाइट इंस्टॉल की है और ब्राउन कलर का मर्करी ग्लास इसमें इंस्टॉल किया। इसी तरीके से ये दो हमने प्रोफाइल डोर दिए हैं और इसी के साथ ही लास्ट में ये दो ब्लैक कलर के हमने ये डोर दिए हैं। नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो अप्लाइंस के यूनिट के नीचे ये सॉफ्ट क्लोज स्पाइस रैक दिए हैं। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट क्लोज है ये। और दरमियान में हमने ये तीन दराज दिए हैं और सबसे ऊपर वाले दराज में हमने ये कटलरी ट्रे भी इंस्टॉल की है। और इसी तरीके से ये दो इसके नीचे ये ड्रार्स हैं और ड्रार्स के दोनों तरफ हमने इसी तरह ये सॉफ्ट क्लोज हमने ये स्पाइस रैक दिए हैं। इनमें आप अपने कप्स और स्पाइसेस के बॉक्सेस वगैरह आप अपने इसमें रख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको डोर बाय डोर ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। इस तरीके से हमने ये स्टार्ट में ये दो डोर दिए हैं, सिंक के नीचे दो ब्लैक कलर के डोर्स हैं और लास्ट में ये हमने वाइट कलर के डोर के पीछे ये डस्टबिन हमने ये इंस्टॉल की है। इसमें दो बास्केट्स हैं। इस तरीके से आप बास्केट को निकाल के आप डस्ट को रिमूव करके आप वापस इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और कॉर्नर में ये फ्रूट बास्केट इंस्टॉल की गई है, इसमें आप अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। किचन के अंदर वाले डिज़ाइन को डिस्कस करें तो ये स्टार्ट में हमने ये एक सिंगल डोर दिया, इसके अंदर आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। और इसी के साथ ही विंडो के ऊपर हमने ये दो जैक वाले डोर्स ब्लैक कलर के दिए हैं किचन डिज़ाइन के मुताबिक। ये सॉफ्ट क्लोज ये बिल्कुल हमने ये हाइड्रोलिक जैक इसमें इस्तेमाल किए हैं। और हुड वाली साइड पे ये स्टार्ट में ये एक कॉर्नर में ये सिंगल डोर वाइट कलर का दिया गया और इसी के साथ हुड की लेफ्ट साइड पे ये दो जैक वाले डोर दिए गए हैं जिसमें एक प्रोफाइल डोर दिया गया। इसमें भी हमने गोल्डन कलर की लाइट इसमें इंस्टॉल की है और दरमियान में आ गया ये हुड। ये फुल टच और सेंसर सिस्टम ये हुड है। ये बाज़ार से आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की रेंज में मुख्तलिफ वराइटीज़ के हिसाब से ये आपको बआसानी मिल जाएगा। और किचन थीम के मुताबिक इसी तरह हुड की दूसरी तरफ भी ये दो जैक वाले डोर दिए गए हैं। एक ब्लैक कलर का डोर दिया गया और उसी के ऊपर ये एल्युमिनियम का प्रोफाइल डोर दिया गया। ये सॉफ्ट क्लोज है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट में फिर ये कॉर्नर में ये सिंगल डोर वाइट कलर का दिया गया। इसके कॉर्नर की स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ भी ये विंडो के ऊपर इसी तरह ये एक हमने सिंगल जैक वाला हमने हाइड्रोलिक डोर दिया है। और इसी के साथ आगे हैं तो ये फिर से एक वाइट कलर का ये सिंगल डोर दिया गया है, इसमें आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। और इसी के साथ लास्ट में ये दो ब्लैक कलर के हाइड्रोलिक ये डोर दिए गए हैं। और नीचे के डिज़ाइन की बात करें तो सिंपली हमने ये वाइट एंड ब्लैक का हमने ये कंट्रास्ट करके हमने ये सिंपली इस तरीके से हमने ये सब डोर्स इंस्टॉल किए हैं
और इसमें अंदर वाले किचन में हमने ये हैंडमेड स्पाइस रैक हमने ये दिए हैं, और इसी तरह हमने ये ड्रॉर में, अंदर वाले किचन के ड्रॉर में भी हमने ये कटलरी ट्रे इंस्टॉल की है, और इसी तरीके से ड्रॉर के दूसरी तरफ भी ये हैंडमेड स्पाइस रैक हमने ये दिया, और लास्ट में हमने इस तरीके से ये सिंपली बाकी ये डोर्स वाइट एंड ब्लैक कंट्रास्ट में हमने ये इंस्टॉल किए हैं। इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के हमने इसमें हैंडल यूज़ किए हैं। डोर है जिसको कवर करने के लिए 18 mm के एलुमिनियम ट्रिम यूज़ की गई है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 3D इंजिस यूज़ किए गए हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइड्रॉलिक सॉफ्ट क्लोज जैक यूज़ किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये डोर आराम से बंद हुआ है। और अगर हम इस किचन की मुकम्मल कास्ट की बात करें कि इस किचन को बनाने में हमारा कितना खर्चा आया, तो ये यूवी हाई ग्लास में ये किचन तैयार किया गया। इसमें एक्सेसरीज और अप्लाइंसेस क्लाइंट की थी, हमने इंस्टॉलेशन की है। ये 1700 रुपये पर स्क्वेयर फिट में ये मुकम्मल ये किचन तैयार किया गया। अगर आप भी हमसे किचन तैयार करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा किचन डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।